बीजेपी की टीम को संदेश खाली जाने से रोका। पीड़ितों से मिलने जा रहा था बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, पुलिस के रोकने पर धरने पर बैठे बीजेपी नेता। जी हां, बीजेपी की टीम को संदेश खाली जाने से रोका गया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ितों से मिलने जा रहा था बीजेपी नेता, और ऐसे में बीजेपी के टीम जब संदेश खाली जा रही थी तो उसको रोक दिया गया, टीम को बीच में ही रोका गया। पीड़ितों से मिलने दरअसल पूरी टीम जा रही थी, जानकारी आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां संदेश खाली जाने पर रोका गया है बीजेपी की टीम को। पीड़ितों से मिलने बीजेपी का जन प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, पुलिस के रोकने पर धरने पर अब बीजेपी नेता बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता धरने पर हैं, देखिए। खेती करते थे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ममता का वार, बीजेपी का पलटवार यहाँ पर बंगाल में। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर जब पीड़ितों से मिलने बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जा रहा था तो उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद अब धरने पर हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। और यहाँ पर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, बीजेपी के नेता धरने पर बैठे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका सवाल है कि क्यों रोका गया, पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, ऐसे में उन्हें रोकना कितना सही है। संदेश खाली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संग्राम की स्थिति पैदा हो गई, धरने पर बैठ गए सभी बीजेपी के नेता। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सियासी संग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अत्याचार का बवाल बढ़ता जा रहा है और प्रतिनिधि मंडल को रोका गया जब संदेश खाली जा रहे थे, तभी पीड़ितों से मिलने के लिए बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को रोक दिया गया, बीजेपी नेता धरने पर हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता धरने पर बैठे हुए हैं, उन्हें रोक दिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক, এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শাস্তি এদের হতে পারে না। মাননীয় সুকান্ত মজুমদারের উপর যে অ্যাটাক হয়েছে, ধিক্কার জানাই। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रतिक्रिया भी आपको सुना रहे थे। यहाँ पर मृत्यु दंड की बात कही जा रही है, यहाँ पर रोक दिया गया, जिसके बाद बीजेपी के नेता धरने पर बैठ जाते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं। ये हिंसा की तस्वीरें सामने आई, और जब हिंसा की तस्वीरें सामने आई, पीड़ितों से मिलने के लिए बीजेपी की टीम जा रही थी और बीच में ही उसे रोक दिया जाता है।